हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज जिस वीडियो में बताने वाला हूं कि SSLC पुलिस ऐसा एग्ज़ाम जिन भी छात्रों का 13 तारीख को यानी कि 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ, क्या वह कैंसिल होने वाला है, क्यों कैंसिल होने वाला है, ये भी बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आप सभी को बता दूं कि जिन 3 सेंटरों पर गड़बड़ी हुई थी, उन 3 सेंटरों का एग्ज़ाम जो है 13 तारीख को लिया गया था। लेकिन आप सभी को बता दूंगी, 13 तारीख वाला जो पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया हुआ था, यानी कि सिंपल पेपर आया हुआ था, और जो 26 तारीख को पेपर हुआ था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या 13 तारीख वाला जो पेपर कैंसिल होने वाला है या नहीं। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं भी चाहता हूं कि जो 13 तारीख को जो पेपर हुआ वह रद्द हो, क्योंकि जो पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया हुआ था और जो 26 तारीख वाला वो डिफ़िकल्ट था। आप सभी को बता दूं कि अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि आपका जो 13 तारीख वाला पेपर जो रद्द होगा या नहीं। और आप सभी को बता दूं कि कोर्ट केस की आगे की जानकारी के लिए और SSLC के से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।